चलिए, गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। जहां तक पढ़े थे उसके आगे की कहानी है। कल बात कर रहा था मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी को लेकर। ये तीन फैक्ट आपको बताए गए हैं। छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी रतनपुर थी, राजधानी परिवर्तन होके बना रायपुर, और रिसेंट में राजधानी जो है वो है नवा रायपुर। पृष्ठभूमि पर चलिए आप, क्या गतिविधि हुआ ऐसा कहानी बनने का। तो पृष्ठभूमि पर ध्यान देना है, वो है छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम टाइम तक शासन करने वाला एक डायनेस्टी, वंश का नाम है कलचुरी। पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में चल के, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम था कलचुरी। और इनका शासन काल जो था दो अलग अलग क्षेत्रों में था, उसके आधार पर दो अलग अलग कहानी है। शासन जो काल है वो अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग राज्य का अलग अलग कहानी है। एक रत्नपुर राज्य में इनका शासन था, आजकल रतनपुर, तो रत्नपुर राज्य के कलचुरी थे। इनका शासन अवधि देखेंगे तो 1000 ईस्वी में कलिंग राज ने स्थापना की और 1745 में रघुनाथ के मृत्यु के साथ ये कलचुरी डिक्लाइन कर गया, समाप्त हो गया। फिर दूसरा कलचुरी आपको दिखेगा, वो दिखेगा रायपुर में। रायपुर में कलचुरियों का अधिकार रहा, इसकी कहानी शुरू हुई लक्ष्मी देव से 1300 में और 1750 में अमर सिंह के साथ खत्म हुआ। कलचुरियों की अधिसत्ता थी, और इस कलचुरियों की अधिसत्ता के पश्चात इस छत्तीसगढ़ में जिसका अधिकार हुआ वो थे नागपुर के भोसले मराठा। नागपुर के मराठों का अधिकार छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ कलचुरियों के खत्म होने के बाद। तो मराठा की शासन अवधि की बात किया जाए तो मराठा की शासन अवधि थी 1758 से लेके 1854 तक। अब आप इस, मैं बोल रहा हूं कलचुरी था ये, कलचुरी को हटा के मराठा आया, तो यहाँ पर 1745 में खत्म हुआ, यहाँ 50 में खत्म हुआ, यहाँ 58 लिख रहा हूँ। बीच में इंटरवल की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा, अभी राजधानी बताना है तो ये बता रहा हूं मैं। और जब मराठा आया तो इसके पूरे शासन काल को दो पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं आप। एक देखेंगे आप राजतंत्रात्मक व्यवस्था, जहां प्रशासन का केंद्र छत्तीसगढ़ में राजा के रूप में होगा, और दूसरा केवल वो प्रतिनिधि होगा नागपुर के राजा का। अलग अलग है इसीलिए इसको बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट रूल, मतलब डायरेक्ट रूल से मेरा आशय है जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, और इनडायरेक्ट रूल से मेरा आशय है जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का पहला मराठा शासक बिंबाजीराव भोसले। छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक हुए बिंबाजीराव भोसले, इनका उत्तराधिकारी हुआ चिमणाजीराव भोसले। तो राजतंत्रात्मक दो राजा के रूप में छत्तीसगढ़ में दिखेगा, जबकि जो अप्रत्यक्ष शासन रहा ये अलग अलग गतिविधियों के कारण अलग अलग टाइप से चला। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में कोई मराठा या भोसले राजा नहीं हुए, वो नागपुर में सत्ता का संचालन करते थे, वहां बैठते थे और वहां के व्यवस्था के माध्यम से यहाँ का सत्ता चलाते थे। ये टेन्योर को तीन भाग में बांटना है। अभी कैसे चला तो इसके पीछे चलिए। पीछे जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही वो 1758 टू 1788 तक चला, 1758 से 1788 तक की। वही 1788 टू 1854 तक रहा वो है आपका अप्रत्यक्ष शासन। तो इसी अप्रत्यक्ष शासन को तीन फेस में हम देख रहे हैं। पहला फेस है वो है ये अप्रत्यक्ष शासन जो चलेगा 1788 टू 1854, इसको तीन फेस में देखना है। छत्तीसगढ़ नागपुर राज्य का एक सूबा कहलाया, छत्तीसगढ़ एक सूबा कहलाया नागपुर राज्य का। तो ये सूबा व्यवस्था हमारे यहाँ चला, और ये चला 1788 से 1818 तक, 1818 तक एक फेस है। स्क्रीन कट तो नहीं रहा है ना आपको? क्लियर विजिबल है जो ऑनलाइन जुड़े हैं सगा हो? विजिबिलिटी में कोई? दूसरा, सूबा व्यवस्था जैसे ही आता है जाता है, छत्तीसगढ़ में अंग्रेज अधिकारियों की
माध्यम से अधीक्षक के रूप में शासन शुरू होता है। अधीक्षक शासन चलता है 1818 to 1830, 1818 से 30 तक छत्तीसगढ़ में अंग्रेज अधिकारी के रूप में अधीक्षक के रूप में शासन चलेगा। और तीसरा जानना है वो है जिला शासन। छत्तीसगढ़ नागपुर राज्य का एक जिला कहलाता है 1830 से 54 तक। ठीक, अब जो राजधानी का हिस्ट्री है वो जुड़ा हुआ है यहीं से। पहले कलचुरी से जोड़ रहा हूँ, फिर मराठा से जोड़ रहे हैं। कलचुरी से कैसे जुड़ा हुआ है, तो चलिए कलचुरी की ओर। कलचुरी जिन्होंने राज किया है रतनपुर के रूप राज्य के रूप में और रायपुर राज्य के रूप में, अगर देखें आप कलचुरियों के शासन क्षेत्र को, जो अंग्रेज अधिकारी हुए सेटलमेंट ऑफिसर उनके अकॉर्डिंग, उसी पर बात कर रहा हूँ, इस पर बृहद बात इतिहास में होगा, ये जनरल इंट्रोडक्शन का सेगमेंट है, तो घबराएंगे नहीं। ये कहाँ से कहाँ पढ़ा दे रहे, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा से धैर्य बना के बैठे रहना है। जहां घर में बैठे होंगे, जहां कहीं भी बैठे होंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रहेंगे, जुड़ेगा सब चीजें आगे चल के। सेंट्रल छत्तीसगढ़ आपको बताई गई है, एक पढ़े आप रायपुर संभाग, फिर आपको बताया गया है रायपुर संभाग के ठीक साइड में है अगला संभाग दुर्ग। जिले पढ़े हैं यहाँ पर आप सात, कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, ये दुर्ग डिवीजन रायपुर डिवीजन है। फिर आपको बताया गया एक डिवीजन वो है बिलासपुर। जिले पढ़े यहाँ आठ, मुंगेली, ये है गौरेला पिंडर मरवाही, ये बिलासपुर, ये आपका है जांजगीर चांपा, उससे हटा हुआ है सक्ती। नीचे पड़ेगा आपको सारंगढ़, बिलाईगढ़, ऊपर मिलेगा आपको रायगढ़, और ये है कोरबा। ये था सेंट्रल छत्तीसगढ़। इसमें उत्तर छत्तीसगढ़ छूटा हुआ है जो सरगुजा संभाग है, और इसमें छूटा हुआ है दक्षिण छत्तीसगढ़ जो बस्तर संभाग है। गुड आफ्टरनून मैडम। तो ये आपका मध्य छत्तीसगढ़ है। अब इस मध्य छत्तीसगढ़ को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, तो कलचुरियों का व्यवस्था हम पढ़ेंगे आगे चल के। पढ़ेंगे आप धमतरी जिला में एक जगह पड़ता है सिहावा, और इसी सिहावा से एक नदी निकलती है। सुने होंगे तो कमेंट कर सकते हैं कौन सी नदी है, ऐसे अभी पढ़े नहीं है लेकिन इसने सुने हो बस से व्यवहारिक रूप से कि पूछा तो जानतो का सगर काजन। ये एक नदी सिहावा से निकलते, बहुत बड़ी महानदी, जी बिल्कुल, नदी के नाम हरे महानदी, ये बोहाथ नदी है। जब हम पढ़वो ड्रेनेज नाम के टॉपिक अपवाह तंत्र, तब पूरा डिस्कस करबो इन्हें। यही महानदी के एक सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब वो नदी में जो आके मिलते, आउ जाना तो कमेंट कर दू। बोहाथ है दुर्ग डिवीजन में, फिर ओकर बाद रायपुर डिवीजन के जिला मन में, फिर बिलासपुर डिवीजन के जिला के बाउंड्री बनाही। जाना तो कमेंट कर दो नदी का नाम। बहुत बढ़िया, शिवनाथ है भाई। हाँ, अब यही शिवनाथ ला करना है फोकस। इस शिवनाथ के ऊपर ये जो क्षेत्र था वो रतनपुर के कलचुरियों के अधिकार में था। इसको बोलते थे रतनपुर राज्य। और इस शिवनाथ के नीचे ये जो क्षेत्र था वो रायपुर कलचुरियों के अधिकार में था। इसको बोलते थे रायपुर राज्य। रतनपुर और रायपुर राज्य में बटा हुआ था छत्तीसगढ़ का मध्य भूभाग। रतनपुर राज्य में 18 गढ़ थे ऊपर हिस्सा, मतलब ये जो अधिकार क्षेत्र है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से गढ़ों में बटा हुआ था, और ऐसे गढ़ों की संख्या थी 18। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे आज हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो संभाग के रूप में पांच भाग में बटा हुआ है, वैसे समझ सकते हैं कलचुरी राजा राज करते थे, तो रतनपुर से राज्य करने वाले कलचुरी राजाओं का अधिकार क्षेत्र 18 गढ़ों में बटा हुआ था। सेम कहानी 18 गढ़ों में बटा हुआ था रायपुर राज्य में राज करने वाले कलचुरियों का अधिकार क्षेत्र। इसी कलचुरी को हटा के मैं अभी बोला मराठे आए। कहाँ के मराठे थे, तो नागपुर के इन लोग मराठे,
भोसले लिखते थे। होलकर नाम सुने होंगे, सिंधिया नाम सुने होंगे, गायकवाड़ नाम सुने होंगे, पेशवा नाम सुने होंगे, भोसले नाम सुने होंगे, ये सब मराठे थे, मराठा थे। उसमें से नागपुर का जो मराठा था वो कहलाते थे भोसले, और उन्हीं भोसलों का अधिकार रहा छत्तीसगढ़ में कलचुरियों को हटाने के बाद। अब जब पहला मराठा शासक आया बिंबाजीराव भोसले, तो इन्होंने शासन किया, बिंबाजी के टेन्योर की बात कर रहा हूं, बिंबाजीराव भोसले पहले मराठा शासक हुए छत्तीसगढ़ के, इन्होंने शासन किया 1758 टू 1787, 1787 तक। जब ये सत्ता में आए तो उससे पूर्व ये कलचुरियों का अधिकार क्षेत्र था, इसी कलचुरी अधिकार क्षेत्र को इन्होंने अपने कब्जे में लिया और यहाँ का शासन संभाला। तो कलचुरी जब राज कर रहे थे तो गढ़ व्यवस्था थी, इन्होंने क्या किया, गढ़ व्यवस्था को खत्म करके, समाप्त करके पूरे अधिकार क्षेत्र को खालसा नाम दिया, मराठा का अधिकार क्षेत्र कहलाया खालसा। और खालसा का कहीं ना कहीं प्रशासन का केंद्र बनाएंगे, ये प्रशासन का केंद्र बनाए इन्होंने रतनपुर को। तो छत्तीसगढ़ के इतिहासकार मानते हैं छत्तीसगढ़ नाम इसी समय मिला, क्योंकि इन्होंने क्या किया, गढ़ व्यवस्था को खत्म किया, मर्ज कर दिया पूरा, क्योंकि पूरे क्षेत्र पर अधिकार हो गया बिंबाजीराव भोसले का। तो 18-18 मिलके हो गया छत्तीसगढ़। तो इस बोलते हैं इतिहासकार कि इस समय छत्तीसगढ़ नाम प्रचलित होना शुरू हो गया रहा होगा। तो छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी मानी जाती है रतनपुर को, आया समझ यहाँ पर, 1758 बिंबाजीराव भोसला जी का योगदान। कोनो समस्या नहीं आया होगा बता सकते हैं, अभी एकदम हड़बड़ा नहीं जाना है क्योंकि ये हिस्ट्री है पूरा, और मैं केवल अभी आपको लिंक कर रहा हूं कि अगर प्रश्न दे छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी या प्रथम राजधानी कौन कहे कौन थी, तो रतनपुर थी, वो बैकग्राउंड है। अब रतनपुर से चेंज हो गया राजधानी रायपुर, कैसे चेंज हुआ अभी मराठा शासन काल में समझना है। मराठा शासन काल में अधीक्षक व्यवस्था चला 1818 से 30 तक, इसमें एक अधीक्षक हुआ अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था एगेन्यू, मेजर एगेन्यू, ये अधीक्षक के रूप में अपना सर्विस देता है 1818 से 25 तक। जैसे आज किसी जिला का कलेक्टर होता है तो उसका एक टेन्योर होता है, जिस दिन से वो जिला का प्रभार संभालते हैं और जिस दिन से उनको इस जिला से मुक्त करके कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है तब तक वो जिला का प्रभार कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, वैसी कहानी समझ सकते हैं आप। एगेन्यू सेवाएं दिया था अधीक्षक के रूप में 1818 से 25 तक। इन्होंने क्या किया, जो राजधानी रतनपुर चल रहा था उसको हटा के रायपुर को प्रशासन का केंद्र बनाया। तो एगेन्यू के द्वारा 1818 में रायपुर को प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। तो राजधानी परिवर्तन क्वेश्चन व्यापम में मिल जाएगा आपको, राजधानी परिवर्तन किसने किया, तो एगेन्यू ने किया। कब किया, तो 1818 में किया। अब रतनपुर का वैभव धूमिल होगा प्रशासनिक केंद्र के रूप में और वैभव स्थापित होगा रायपुर का। आप देख लीजिए कहीं भी किसी भी प्रांत की जो राजधानी होती है, प्रदेश की जो राजधानी होती है, वो अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा डेवलप्ड होगी, प्रशासनिक कार्य उन क्षेत्रों में होंगे, प्रशासनिक कार्य की सुविधा लेने के लिए लोग जो है आसपास के क्षेत्रों में निवास करेंगे। कंपैरिजन बोल रहा हूँ ना भाई, एकदम डेवलप्ड होगी ये नहीं बोल रहा हूं मैं, सुविधाएं वहां ज्यादा विकसित होंगी। अब हुआ क्या ये समझना है, 1818 में तो ये रायपुर प्रशासन का केंद्र बन गया, लेकिन 1853 में नागपुर का जो शासक था जिसका नाम था रघुजीत तृतीय, रघुजीत तृतीय बाजीवा गुजर, नाम आगे चल के बताऊंगा मैं, रघुजी तृतीय का 11 दिसंबर 1853 को होता है मृत्यु, ये मर जाते हैं 11 दिसंबर 1853 को। अब राजा मर गए तो प्रशासन क्षेत्र का क्या होगा,
तो कंपनी का गवर्नर जनरल था जिसका नाम आप स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे, डलहौजी। ये गवर्नर जनरल के रूप में पदस्थ होते हैं 1848 में और कंपनी को सेवाएं देते हैं 56 तक। और इसकी एक नीति आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कमेंट कर दीजिए। तो डलहौजी दू अंग्रेज ला हमारे लइकापन ले अच्छल जानथन, कोई जानन ते ना जानन, डलहौजी और करजन। तो डलहौजी का एक फेमस पॉलिसी रही है, क्या है कमेंट करेंगे तो कर सकते हैं, इंतजार कर रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया शोभना मैडम, बहुत बढ़िया कुछ सर। हड़प नीति, ठीक भाई सही जवाब है, हड़प नीति। अब हुआ क्या, नागपुर जो है वो उत्तराधिकारी विहीन हो गया। जो रघुजी प्रीति मरा था उसका कोई संतान नहीं था। अब संतान नहीं था तो डलहौजी ने क्या कर लिया, नागपुर को हड़प लिया। मार्च 1854 में डलहौजी के द्वारा नागपुर पर कर लिया कब्जा, कर लिया गया, हड़प लिया गया। अब नागपुर जैसे ही हड़प पाएगा, छत्तीसगढ़ भी हड़प आ जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का शासन जो है वो नागपुर से ही चल रहा था। तो नागपुर के ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा बनने के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। अब जैसे ही ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा बनेगा, इसके बाद जो घटना घटती है 1857 की क्रांति, और क्रांति के पश्चात 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861 को ब्रिटिश क्षेत्र को लेकर एक प्रांत बनाया जाता है। प्रांत का नाम था मध्य प्रांत। प्रांत मतलब आज का राज्य समझ सकते हैं। सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। और जब सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया तो इसे सेंट्रल प्रोविंस का कैपिटल बनाया गया नागपुर को। अब राजधानी नागपुर बन गई, उसी सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ के भूभाग को रखा गया। रायपुर का वैभव पुनः धूमिल। अब रायपुर कोई प्रशासन का केंद्र के रूप में स्थापित नहीं रहेगा। रायपुर जो है अब वहां का प्रशासन जो भी चलेगा वो नागपुर के माध्यम से संचालित होगा। लेकिन जब छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो रायपुर फिर राजधानी के रूप में अस्तित्व में आ गया, और रायपुर से शासन चला फिर 2000 से लेके 2012 तक। राज्य बनने के बाद 2000 में फिर रायपुर का वैभव स्थापित किया गया, रायपुर को राजधानी बनाई गई। लेकिन बीच में लैप्स हो गया था ना, 1818 से 1854 तक रायपुर प्रशासन का केंद्र रहा, ऐसा समझ सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद 54 के बाद जो कहानी बदला और मध्य प्रांत का गठन हुआ, उसके बाद नागपुर को जो प्रशासन का केंद्र बनाया गया, तो रायपुर का वैभव हो चुका था धूमिल। लेकिन राज्य बनने के बाद पुनः रायपुर को राजधानी बनाया गया और राजधानी 12 तक चला। लेकिन 12 में राजधानी चेंज, और चेंज होके हो गया राजधानी नवा रायपुर, अटल नगर। यहां तक आया आपको समझ, वर्तमान राजधानी नवा रायपुर अटल नगर के नाम से जाना जाता है। कोनो समस्या है राजधानी में, छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी कही तो रतनपुर, बिंबाजी भोसले जी का योगदान। राजधानी किसने परिवर्तन किया, तो अगेन न्यू 1818 में रतनपुर से प्रशासन का केंद्र रायपुर ले आए। और वर्तमान राजधानी कही तो फिर उत्तर है नवा रायपुर। ये स्थापना के बाद दूसरा पॉइंट राजधानी। तीसरा पॉइंट पर बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर थर्ड, राजकीय प्रतीक। राज्य सरकार के द्वारा जो छत्तीसगढ़ में राजकीय प्रतीक बनाया गया है या स्थापित किया गया, उसकी कहानी है। अब क्या क्या राजकीय प्रतीक है, तो एक है छत्तीसगढ़ का स्टेट ट्री, दूसरा है स्टेट एनिमल, तीसरा है स्टेट बर्ड, फिर स्टेट सॉन्ग है, फिर अब इसको तो गमछा को गमछा ही बोलेंगे, स्टेट गमछा, राजकीय गमछा। ये प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। राजकीय वृक्ष की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट ट्री है वो है साल। यही ला हमन छत्तीसगढ़ी में करे थन सरई। सरई पेड़ है हमारे राजकीय पेड़ है। अब भैया सरई चला काबर राजकीय पेड़ बना हुई मोला बता दो तो।
कोई विशेष हो ही तबे ना राजकीय पेड़ बना है, नहीं तो जरूरते कहाँ है। हमारे यहाँ थमन बीच वाला मन है, कौहा बमरी वाला हरन, मध्य छत्तीसगढ़ वाला मन अधिकतर पेड़ का तोल दिखी बबूल दिखी कौहा दिखी, वो हमारे यहाँ मेन पेड़ है। तो राजकीय पेड़ बनाने का कारण क्या है, तो कारण थोड़ा से जान लीजिए। किसी को स्टेटस दिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होगा ना, तब स्टेटस दिया जा रहा है। आगे चल के जब मैं फॉरेस्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा 59772.4 स्क्वायर किलोमीटर में है वन, इतने वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ में है फॉरेस्ट एरिया। ठीक, जवाब आ गया, बहुत अच्छा जवाब है। अब इसमें से अलग अलग प्रजाति के वृक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो वृक्ष की प्रजातियां हैं उस वनों में वो है साल। इसका 40.56% लगभग लगभग मोटा मोटा कर देते 40.6% है वो साल के पेड़ हरे। दूसरा प्रमुख प्रजाति है वो है सागौन। सागौन ये है आपका 9.42%। अब इसके बाद जितने भी वृक्ष की प्रजातियां हैं वो सबको एक साथ रखा गया है और नाम दिया गया है मिश्रित, मिक्स्ड फॉरेस्ट मिश्रित है। और इसका जियोग्राफिकल एरिया 43.52%। अब मिश्रित कोई एक वृक्ष की प्रजाति नहीं है, मिश्रित नाम से स्पष्ट है ये वृक्षों की प्रजातियों का समूह है। अब इन तीनों में आपको समझ आ रहा होगा सबसे अधिक रिसोर्सेज हमारे यहाँ साल है, इसलिए हम अपनी साधन संसाधन संपन्नता को व्यक्त करने के लिए साल को राजकीय पेड़ का स्टेटस दिए हैं। ये जानना है आपको छत्तीसगढ़ का राजकीय पेड़ क्या है, तो साल है। जबकि अगला दो पॉइंट है राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, ये साधन संपन्नता नहीं है, साधन विपन्नता है। रायपुर से बड़ा हो, साधन विपन्नता है, मतलब ये जंतु हमारे यहाँ पाए तो जाते हैं, पक्षी हमारे यहाँ पाई तो जाती है, लेकिन समय के साथ साथ इनके संख्या बल में भी गिरावट आ रही है। धीरे धीरे इनकी संख्या गिर रही है और ये संकटापन्न प्रजाति के रूप में अब चिन्हित किए जा चुके हैं। अब भैया हमको बचाना है तो सबसे बड़ा चीज है किसी चीज का संरक्षण करना, तो वो जागरूकता। अगर यही जागरूकता का अभाव होता है तो कोई चीज को हम ना जानते हुए भी नष्ट कर डालते हैं। इसीलिए राज्य सरकार सोची कि इसको एक स्टेटस दिया जाए, लोगों में ये जागरूकता लाई जाए कि ये हमारे लिए विशेष है ये जंतु या ये जीव। तो इन दोनों को विपन्नता के कारण स्टेटस दिया गया है, राजकीय पशु बनाया गया है, जो कि है वो है वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो वन भैंसा। और पूरे भारतवर्ष में जो वन भैंसा की प्रजातियां हैं उच्च क्वालिटी का हाइब्रिड का, वो है असम और छत्तीसगढ़ में। तो वन भैंसा को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है ताकि हम इसका संरक्षण सुनिश्चित कर सकें, सरकारी प्रयास के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी बनाई गई है पहाड़ी मैना को। मैना मतलब हमन छत्तीसगढ़ी में कथन सलही चिरई, और ये बस्तर क्षेत्र में मैना है, वहां सलही चिरई हरे बस्तर के। और ये भी संकट ग्रस्त है, इनके भी अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, संख्या बल तेजी से कम हो रहा है, तो इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने राजकीय दर्जा दिया पहाड़ी मैना। राजकीय गीत की बात किया जाए तो राजकीय गीत बनाया गया है, नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा लिखा गया गीत है। गीत के बोल हैं अर्पा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे, तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। ये गीत के बोल है। रचयिता कौन है, तो इस गीत के जो रचयिता है वो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। इस गीत की जिन्होंने रचना की है डॉक्टर
नरेंद्र देव वर्मा। अब नरेंद्र देव वर्मा जी जब इस गीत को लिखे होंगे तो थोड़ी ना जान रहे थे कि राजकीय गीत बन जाएगा। इस गीत को राजकीय दर्जा दिया गया है। हर शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में इस गीत का गायन कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब अब इस गीत को गाना है तो एक स्टेप को ही गाएंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा गीत को गाते बैठे रहेंगे। तो इसका मानकीकरण किया गया है। इस गीत का जो गायन अवधि है, राजकीय गीत का जो गायन अवधि है वो है 75 सेकंड। मतलब इस गीत का गायन किया जाएगा 75 सेकंड में। जैसे आप राष्ट्रगान का गायन किए होंगे स्कूल लाइफ में, कितने सेकंड में? महात्मा हो, कमेंट करिए कितने सेकंड में गाए। बहुत बढ़िया, स्कूल लाइफ में राष्ट्रगान का गायन किए होंगे ना आप, उसका भी गायन अवधि है जो मानकीकरण किया गया है जितने स्टेप को। ठीक, जानते हैं मतलब आप। वैसी कहानी इनके साथ भी है। 75 सेकंड जो है वो गायन अवधि है, जैसे राष्ट्र गान का है 52 सेकंड। वो जानना है राजकीय गीत के बारे में। अब गमछा को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, और गमछा कल्चर हमारे यहाँ शुरू से है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य रहा है और यहाँ के किसान जो है वो किसानी कार्यों में गमछा का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग करते ही है। देखियो बस, कनिहम बांधे रहते, बीड़ा बीड़ा बांधत रही, तब मुड़ीम बांधे रहते गमछाला। तो उही गमछाला हमारे सांस्कृतिक प्रतीक बनाए बर राज्य सरकार होला राजकीय गमछा के दर्जा दे ही। मतलब गमछाला भी हमारा राजकीय दर्जा, ताकि हमारे संस्कृति समृद्ध हो सके, हमारे किसानी संस्कृति आगे बढ़ सके, सरकार ये उद्देश्य से ओला राजकीय प्रतीक के रूप में स्टेटस दे ही। तो ये सब है सर राजकीय प्रतीक, आया समझ? किसी को कोई तकलीफ है तो बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। अब सेप पर, छत्तीसगढ़ का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो किसी ना किसी जीव जंतु वस्तु के समान दिखाई देता है, और जिसके समान दिखाई देता है वो है सी हॉर्स। छत्तीसगढ़ का जो स्ट्रक्चर है या सेप बोल सकते हैं आकृति, ये किसके समान दिखाई देता है? तो एक समुद्री मछली है, नाम है समुद्री घोड़ा। समुद्री मछली, इसी के समान छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्वरूप है। तो छत्तीसगढ़ किस जीव के समान दिखाई देता है? तो वो है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। वो सेप जानना है सर अगला। हाँ, हिप्पोकैम्पस। ठीक, बहुत बढ़िया, वैज्ञानिक नाम है। इसके समान दिखाई देता है। अब इस पर बात किया जाए तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया, क्षेत्रफल पर अगर हम बात करें तो, क्षेत्रफल पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है 135192। मोटा मोटा याद रख सकते हैं 1.35, 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर, ये याद रख सकते हैं 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर। 1/35, 1/92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ देश। में अगर बात किया जाए तो भारत देश का छत्तीसगढ़ 10वां बड़ा राज्य है, 10th largest स्टेट। अब देखिए, 10वां ही पढ़ना है आपको ना, व्यापम की एग्जाम में भी 10वां है और एक्चुअल 10वां है ही। अब कई स्टूडेंट हमारे पास लेके आते हैं कि सर आप 10वां पढ़ाते हैं, 9वां होना चाहिए। तो हम हर क्लास में प्रूफ देते हैं, आपको भी प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन पहला प्रूफ आपके लिए है। वो कल मैंने बोला था कि आपको हम चिप्स का मैप दिखाएंगे, वेबसाइट में तो नहीं है, अपने पास है, वो मैं शो कर रहा हूँ आपको, जो जानना है चिप्स के मैप के अकॉर्डिंग क्या कहानी है।
थोड़ा सा आपका समय लूंगा, वो मैप आपको शो कर देता हूं मैं। पुराना मैप है ना, आप उस मैप के जिलों पे नहीं जाएंगे, उसमें अक्षांश और देशांतर देखेंगे आप। इसका हार्ड कॉपी भी है हमारे पास, जो वहाँ चिप्स के ऑफिस से मैंने कलेक्ट किया था, एक विद्यार्थी ने मेरे को गिफ्ट किए थे, तो वो भी है, लेकिन मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में शो कर रहा हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ है। मैंने बोला था कल कि छत्तीसगढ़ से पास होती है कौन सी रेखा, छत्तीसगढ़ से पास होती है वो है आपका कर्क रेखा। आपको दिख रहा होगा तो एकदम कॉर्नर में दिख रहा होगा, छोटा सा 23 डिग्री 30 मिनट ऐसा लिखा होगा, आप देख सकते हैं। तो छोटा करने पर भी वही जा रहा है, कैमरा को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 23 डिग्री 30 मिनट, ये लाइन जा रही है उसी को देखिएगा। मैं आपको मात्रा बता दिया, जो नीला कलर का लाइन जा रहा है उसको कंसिडर करिएगा। ये देखिए ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, वहां से आगे बढ़ी है, ये आगे गई है, अब वहां से मतलब नहीं है। अब जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको देखिएगा, ये है, अब ये दिख रहा होगा 82 डिग्री 30 मिनट, उसके बाद 0 सेकंड, ऐसा 0 पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अब ये आप देख लीजिए, ये नीला कलर का लाइन आ रहा है, दिख रहा होगा, तो आप नीला कलर का लाइन आ रहा है ये ऊपर से, और ये लाइन जो है ये आगे बढ़ा है, सूरजपुर को थोड़ा सा क्रॉस कर रही है, उसके बाद वहां से आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए बीच में क्रॉस हो रहा है, ये कर्क रेखा आ रही है। और ये तो आप बुक वगैरह में क्या दिया है मेरे को नहीं पता भाई, मैं शुरू से चिप्स का मैं पढ़ता हूँ, तो हर क्लास में जब से डिजिटल बोर्ड आया है मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ऑथेंटिक मैप बता सकूं मैं। तो कोरिया में इंटरसेक्शन है, सोनहत आज भी कोरिया में ही आता है, ठीक, ये सोनहत लिखा दिख रहा होगा आपको, ये है आपका चिप्स का मैप, यहाँ पर लिखा है चिप्स करके, इसमें बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, तो CHIPS करके चिप्स का मैप है, पुराना मैप है, अब अवेलेबल नहीं है वेबसाइट में, ठीक। एक तो ये हो गया जो कल मैं बोला था कि आपको दिखाना है जहां से आप पता कर सके। अब दूसरा चीज दिखा रहा हूँ, कई विद्यार्थी बोलते हैं सर ये 135191 होगा क्या, आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है, इसमें दिया है, उसमें दिया, आपको किसी में नहीं जाना है। ये आंकड़ा जो है वो दो जगह एकदम अच्छा से दिया हुआ है, एक तो जनगणना के आंकड़ों में दिया है, जनगणना 2011, और दूसरा जब आपको फॉरेस्ट पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे ISFR, और फिलहाल हमारे पास 21 का रिपोर्ट है। तो दो वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ से देखेंगे तो वेबसाइट है DESTG.gov.in, और ये कहां से देखेंगे तो वेबसाइट है इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, ISF लिख सकते हैं आप, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट NIC.in, यहां से देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग दिखा दे रहा हूं, पहले सेंसस के आंकड़ा को लेके चलते हैं। वेबसाइट है DESCG.gov.in, लिख रहे हैं आपके सामने DESCG.gov.in। क्या है फुल फॉर्म, तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ये वेबसाइट का नाम है, ये उसका फुल फॉर्म है जो वेबसाइट में लिया। इसमें आना है और एकदम बॉटम में जाना है, ये दिख रहा होगा ऐसा ऐसा दिखेगा आपको बॉटम में, मोबाइल में भी खोलेंगे तो सबसे नीचे ही मिलेगा। अब इसमें एक दिखेगा टेबल, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर है जनसंख्या घनत्व करके, जनसंख्या करके छोटा सा मैं जहाँ अपना हाथ रखा हूँ इसी को क्लिक कर लीजिएगा, एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया 135192, ठीक, 135192। अब इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से खोला हूं, एक तो आपको ये एरिया दिखाना है, अब दूसरे वेबसाइट पर आ रहा हूं, दूसरा वेबसाइट है वो है इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, ये वेबसाइट है ISF.NIC.IN, इसको क्लिक कर लीजिएगा आप, ये खुल गया। नीचे इसमें भी आना है बॉटम में,
ये लिखा मिलेगा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसमें डाउनलोड में जाइएगा, क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका मिलेगा। एक हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, आपको जिस भाषा में लगता होगा अच्छा उस भाषा में डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश में, मेरे को आंकड़े से मतलब है, हिंदी हो या इंग्लिश, वो तो आंकड़ा उसी में लिखा ही होगा गणितीय भाषा में। इसमें दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट कवर, ये डाउनलोड कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर सेकंड, फॉरेस्ट कवर। और जैसे ये चैप्टर खुले, इसमें पेज में आना है, एक पेज है जिसमें पूरे देश के राज्यों का, यूनियन टेरिटरी का जियोग्राफिकल एरिया दिया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, वो समझिएगा आप। मैं किसी पुस्तक का विरोधी नहीं हूं, बस आपका समर्थक हूं, आपको सही कंटेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। क्योंकि जितने भी लोकल बुक पढ़ेंगे सब में छत्तीसगढ़ को देश का 9वां राज्य बता दिया गया है, जो कि संभव नहीं है। देखिए यहां से, मैं नहीं बोल रहा हूं ना भाई, भारत सरकार बोल रही है, मैं एक माध्यम हूं, समझ सकते हैं आप। जियोग्राफिकल एरिया जीए दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल एरिया दिख रहा होगा आपको, ये छत्तीसगढ़ है और 135192, ये नहीं बता रहा हूं, अब बता रहा हूं मैं दूसरा चीज। ये तो साक्ष हो गया कि हाँ 135192 है। ये मत सोचना कल के डेट में कोई बोलेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण में 135191 दिया हुआ है, आपको यही कंसीडर करना है, एग्जाम में यही लेना है। अब गिनिए दसवां कैसे है, गिनिए आप, मैं गिना रहा हूं आपको। 135 है, इससे बड़ा 162 होगा, मतलब सबसे एक तो बड़ा हमसे निकल जाएगा एक आंध्रा। फिर आगे चलिए, 196 भी हमसे बड़ा होगा, गुजरात का है दूसरा बड़ा। 191 ये भी हमसे बड़ा होगा, कर्नाटक का तीसरा बड़ा। मध्य प्रदेश 300,000 पार है, चौथा बड़ा। महाराष्ट्र 300,000 पार है, पांचवा हो गया। 155 उड़ीसा छठवा हो गया। राजस्थान 342 सातवा हो गया। उत्तर प्रदेश 240 आठवा हो गया। और ये है जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट 222 236 नौवा हो गया। अब तर्क अच्छा देते हैं जो पुस्तक बनाए हैं उन लोग, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बन गया है तो क्षेत्रफल जो है वो कम हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत सरकार बोल रहा है, मानना नहीं मानना आपकी बात है। ये टोटल जम्मू कश्मीर का एरिया है 222236। इसमें देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर सेप फील्ड एरिया 54,624, लेकिन लद्दाख देखिए 168,055। बड़े हो इतनी हो इमोल बता, छोटे है, 168 है लेस देन है कि ग्रेटर देन है 135 से। तो ये हो गया नौवा। और हम आ जाएंगे फिर, अब है ही नहीं आखिरी, खत्म हो गया है, हम आ जाएंगे फिर दसवा। दसवा ही पढ़ना है, भारत देश में छत्तीसगढ़ का स्थान क्षेत्रफल में दसवा है। कोई बुक कितनो नाच गा दे, मेरे को मतलब नहीं है भैया, तोर से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मोर ये उद्देश्य है। और हमारे यहाँ एस्पिरेंट्स जितने पढ़ते हैं किसी किताब को मान लेते हैं ब्रह्मा द्वारा रचित, ऐसा समझते हैं कि इसमें गलत हो ही नहीं सकता है। कोई भी किताब हो, चाहे ग्रंथ एकेडमी की भी पुस्तकें हो, उसमें भी कई फॉल्ट्स हैं, लोकल में तो फॉल्ट ही फॉल्ट है। तो ध्यान से पढ़िएगा, है दसवा, किसी को कोई समस्या है बता सकते हैं। अरुण सर हाथ रहे, कैसे हाथ रहे सर आप, देखिए भाई आपके लिए उपस्थित हुए हम, आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए। पढ़ना तो आप ही को है, मार्गदर्शन बस हमारा है, बाकी आप जलेंगे मेहनत करेंगे आप ही करेंगे। आया दसवा, ठीक। देश के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी, मतलब सब राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जो भी भौगोलिक क्षेत्रफल होगा वो देश का क्षेत्रफल है, और उसमें 135192 का कंट्रीब्यूशन, तो वो है 4.11%।
ग्रंथ एकेडमी पढ़ेंगे एल एन वर्मा तो ये 1.4%, कुछ नहीं भैया तो पता रहे 4% है। आपका जान सकता से कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी रखता है 4%। ठीक सगा, हमारा जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी रखता है 4%। जिलों की स्थिति, अब यहां पर रायता है, रायता इसलिए है, इस बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख के समझ ही गए होंगे, जिलों की स्थिति में रायता है। अब रायता का दो सोर्स है, एक है कृषि सांख्यिकी, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें आंकड़ा को तो जिलों का क्षेत्रफल अलग अलग है, और दूसरा आंकड़ा है वो है जनगणना। इस बार प्रीलिम्स में एक प्रश्न आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ऑप्शन में दोनों था, दुर्ग भी है गौरेला पिंडरा मरवाही भी है। अब चलिए इसको क्लियर करते हैं आपका, ये देखिए छत्तीसगढ़ के जिलों का क्षेत्रफल दिख रहा होगा तो आपको, ये जिलों का क्षेत्रफल है इन स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक, सबसे छोटा जिला आपको इस सेंसस के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आज के डेट में 33 में दिखेगा, वो है शक्ति, 1632 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है शक्ति, लेकिन इस बार प्रीलिम्स में ऑप्शन में नहीं था, स्क्वायर किलोमीटर में है ना ये आंकड़ा। अब आज के डेट में अगर सेंसस में, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको, अगर आज के डेट में सेंसस के आंकड़ों को माना जाएगा तो सेंसस के आंकड़ों के अनुसार, अब लिख रहा हूं स्लाइड में जाके, अगर सेंसस के आंकड़ों के अनुसार देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है, टॉप में है, वो है बीजापुर, सेंसस के आंकड़ा को सही माने तो, और 33वें नंबर पर है शक्ति, लेकिन इसमें बहुत विवाद है क्योंकि पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में एग्जाम हुआ था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए रजिस्ट्रार का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है, तो कृषि सांख्यिकी के आंकड़ा को लेके राजनांदगांव कंसिडर किया गया था। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था 2019 में, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 5 नवंबर 2020, उसमें प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा गया था 5 नवंबर 2020, डेट को कोटेशन कर रहा हूं, तब तक जिला अस्तित्व में आ चुका था गौरेला पिंडरा मरवाही, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो दुर्ग को कंसीडर किया गया था छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे जिला के रूप में, ऑप्शन में नहीं था। तो अब थोड़ा से ध्यान देंगे, इस पर विवाद खड़ा हो ही चुका है, पीएससी का क्वेश्चन डिलीट हो ही चुका है, तो सेंसस के आंकड़ों को माने तो बीजापुर सबसे बड़ा जिला, यहां से देख लीजिए बीजापुर सबसे बड़ा जिला है, ये बीजापुर का क्षेत्रफल है, बीजापुर 8530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इससे बड़ा और कोई नहीं है, 33 जिलों में बोल रहा हूं, जबकि सबसे छोटा जिला है वो है शक्ति, 1632 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गौरेला पिंडरा मरवाही 1978 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और दुर्ग जिला जो है वो 2298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ले तो लिए थे गौरेला पिंडरा मरवाही को मॉडल आंसर में, क्योंकि इस सेंसस के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखें तो गौरेला पिंडरा मरवाही ही छोटा होगा, 1978 है, जबकि दुर्ग जो है वो 2298 है, अच्छा था ले लिए थे, लेकिन एक और वेबसाइट है जहां थोड़ा रायता है, अब वो रायता के लिए वेबसाइट है, वेबसाइट आप लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं गूगल पे, वेबसाइट का नाम है revenue.cg.nic.in, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का वेबसाइट है ये। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ लास्ट में कृषि सांख्यिकी करके दिखेगा,
अभी 22 का आंकड़ा है, डाउनलोड हो रहा है। अब 22 क्या होता है तो मैं बताऊंगा, कृषि वर्ष होता है हमारे यहाँ 1 जुलाई से 30 जून। ये आंकड़ा आपको दिखेगा कृषि सांख्यिकी 22 के नाम से, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। तब प्रदेश में जिलों की संख्या 28 थी, क्योंकि जून 2022 तक 28 जिले थे। सितंबर 2022 में जिलों की संख्या 33 हो गई, तो ये आंकड़ा 28 जिलों पर है, डेट पर कंसीडर करेंगे, मैं उसको फोर्सली बोल रहा हूं। तो 28 जिला के अकॉर्डिंग आंकड़ा आप देखिएगा, लेकिन ये कृषि विभाग का आंकड़ा है तो आंकड़ा हेक्टेयर में है, एरिया पर बात कर रहा हूं सगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देख लीजिएगा आप। ये जितना भी ये लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षांत 30 जून 2022, मतलब 30 जून 2022 की स्थिति में, 30 जून आपको नहीं दिख रहा होगा, 30 जून 2022 की स्थिति में आंकड़ा है। जिला का क्षेत्रफल देखिए, इधर जिला का नाम दिया हुआ है 28, और ये उसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल दिया हुआ है। अभी खाना आवासा क्या है तो ये आवासा है, तो उसको छोड़िए, वो काम का नहीं है मेरे। अभी देखिए दुर्ग का क्षेत्रफल आपको दिखेगा, दुर्ग का क्षेत्रफल है 2,31,999 हेक्टेयर दुर्ग का। गौरेला पेंड्रा मरवाही का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो गौरेला पेंड्रा मरवाही का क्षेत्रफल दिखेगा 2,39,514 हेक्टेयर, वो था कितना 2,31, अब ये है 2,39, ते मोल बता आप छोटे कौन हो गए, अब दुर्ग छोटे हो गए, गौरेला पेंड्रा मरवाही बड़े हो गए, यही चक्कर में विलोपित हो है ये बार के प्रश्न, क्योंकि अलग अलग साक्ष्यों में गवर्नमेंट के अलग अलग कहानी है। अब इस कृषि सांख्यिकी के अकॉर्डिंग देखें, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो आपको जो अविभाजित राजनांदगांव है वो सबसे बड़ा दिखेगा। राजनांदगांव का क्षेत्रफल है 8,02,252 हेक्टेयर, ठीक। अब कंक्लूजन पर बात कर रहा हूं, अब इतना तो बता दिया रायता, अब कंक्लूड भी करना मेरा दायित्व है। कृषि सांख्यिकी के अकॉर्डिंग प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है अविभाजित राजनांदगांव, क्योंकि आंकड़ा है 30 जून 2022 तक का, क्योंकि सितंबर 2022 में 5 जिले बने तो 33 हो गया था, आंकड़ा भी 33 पे नहीं है। इस बार प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं भी अपने आप को थोड़ा से बदल दिया हूँ, पहले मैं 33 पे बता देता था, लेकिन ये भी बोलता था कि 33 पर कहीं भी डॉक्यूमेंटेड आंकड़ा नहीं है, 28 पर ही डॉक्यूमेंटेड आंकड़ा है, कहीं डॉक्यूमेंट रूप में अवेलेबल है। तो राजनांदगांव सबसे बड़ा जिला होगा, और 28 में अगर देखें तो दुर्ग सबसे छोटा जिला होगा। अब आप देख लेंगे ऑप्शन को, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। पीएससी का इस बार का हरकत रहा इसलिए ऐसा बोल रहा हूं मैं, नहीं तो मैं पहले ही बोलता था कि कृषि सांख्यिकी के आंकड़ा को मान लेना है, अब नहीं बोलूंगा भाई, अब बोलूंगा मतलब मूर्खता है, आया समझ। दोनों साक्ष्य है, मैं आपके सामने उपस्थित करा दिया हूँ, देख के लगाना है ऑप्शन, ठीक से देख लेवे, जज कर लेवे, ओकर बाद तो फाइनल डिसीजन होना चाहिए। कोनो समस्या? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135192, देश का 10वां बड़ा राज्य के रूप में है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश सब मिला दे तो, देश के क्षेत्रफल में लगभग 4% हिस्सेदारी है हमारी, जिलों के रूप में प्रदेश में जनगणना के आधार पर देखे तो 33 जिलों में सबसे बड़ा जिला जो है वो बीजापुर है, और सबसे छोटा जिला जो है वो है शक्ति। कृषि सांख्यिकी 2022 का आंकड़ा आप उठाएं तो सबसे बड़ा जिला अविभाजित राजनांदगांव है और सबसे छोटा जिला है दुर्ग। कोनो समस्या है तो बता सकते हैं, ऐसे नहीं होगा मैं पूरा क्लियर कर दिया हूँ, तो भी से अगर डाउट होगा, क्योंकि आधा तो हम लोकल बुक को मानते हैं, तो उसके हिसाब से अगर कुछ हो समस्या तो आप बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं, वही सब चीज को कवर करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जनसंख्या, तो जनसंख्या हम पढ़ रहे हैं जनगणना 2011। अब इस पर भी जितने यूट्यूबर्स हैं उन लोग अलग से रायता फैला कर रखे, तो लड़का इसने पागल है, कदेल पढ़ना है कदेल छोड़ना है,
आधा ओमन पागल करके रखे है। सेंसस दादा हमार यहाँ हो है कब? 11 में होना रही से 21 में, ते जाना था खुदे सेंसस होना रही से 21 में, कबर हर 10 साल में होते सेंसस, लेकिन कोरोना के कारण जो सेंसस की कार्यवाही है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई तो सेंसस नहीं हो पाया। अब सरकार के पास तो सब आंकड़ा है ना, मतलब कितना जन्म दर है, कितना मृत्यु दर है, ये सब चीज सरकार के पास है, तो वो आंकड़ा घटा बढ़ा के प्रिडिक्शन बता सकती है कि इतना हमारे यहाँ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन हो सकता है। अब क्या हुआ, जब 33 जिला का राज्य सरकार ने आंकड़ा शो किया इस वेबसाइट के माध्यम से, तो राज्य सरकार एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी। गलती क्या कर बैठी, उन्होंने 21 का आंकड़ा शो कर दिया, 22 का आंकड़ा शो कर दिया और 33 का आंकड़ा, 23 का आंकड़ा शो कर दिया। आधा लोग यही पढ़ा रहे हैं, जनगणना 2023 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में डेंसिटी सब चीज को का औचित्य है बता मोला तेहा, ते नहीं पढ़े कम से कम। मैं तो 8-10 साल से जानते छो फील्ड ला, हमारे यहाँ सेंसस होते वही आंकड़ा ला एग्जाम में पूछते, तो सेंसस भैया 11 में हो है ना, कि 11 के बाद 21 में होना रिस नहीं हो पाए, तो कर प्रोजेक्शन बता दे सरकार है कि 21 में अतका कन हो सकते, 22 में अतका कन हो सकते, 23 में अतका कन हो सकते, तो सब 23 ला पढ़ाते गरम फूट गए नहीं तो का ये बता, आधा लड़का मन तलो कुहिल पढ़ा तहन कहा थे कि एला पढ़ना है कि ओला पढ़ना है, एती जाओ कि ओती जाओ वाला कहानी छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट मन के साथ शुरू हो ही है। एला कथे लेक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा है यहाँ, खास करके CGDS ला लेके। और लड़का फिर सोचते कि खुद से हम पुस्तक पढ़ के इस GS को बना सकते हैं, मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है जब तक आपको किसी का गाइडलाइन प्राप्त ना हो, क्योंकि तो इतना कंटेंट है CGDS को लेके, हर चीज को नहीं पढ़ सकते हैं आप। ये वही अच्छे से बता सकता है जो उस एग्जाम में अपियर हुआ हो, क्वालिफाई हुआ हो, वो आपको अच्छे से बता सकता है, क्योंकि हमको तैयारी में पूरा ज्ञान लेते नहीं बैठे रहना है, इतना पढ़ना है जिससे हमारा जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए, हम फाइनल अपने डेस्टिनेशन जॉब तक पहुंच जाए, उसके बाद लेते रहिए ज्ञान। अभी आपके लिए समय बहुत कम है, आपके पास बहुत सारे चुनौतियां हैं जीवन में, तैयारी के दौरान कर लीजिए, फिर ज्ञान लेते रहिए, पुस्तक पढ़िए रंग बिरंग का, खुद हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो आपको पढ़ना है 2011 का सेंसस, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई इस मंच के माध्यम से आपको भी, और जो भी आप किसी दूसरे को बोले जय हो चैन काहे ना बना दे, सेंसस 11 ही पढ़ना है। अब इस सेंसस 11 के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो जब जनगणना हुई थी 11 में, तो छत्तीसगढ़ में कुछ ना कुछ जिले रहे होंगे। अब आपको ध्यान में होगा तो मैं बोला था जब राज्य बना था तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे बताओ, डेढ़ जिला रही। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? बहुत बढ़िया, 16। ठीक, याद है आपको 16 जिलों की संख्या कितनी थी जब छत्तीसगढ़ बना तब? 16। अब ठीक, अगले साल सेंसस की कार्यवाही हुई होगी 2001 में, तो 2001 में जब सेंसस हुआ होगा तब भी तो जिला 16 ही था, कोई नया जिला नहीं बना था। जिला बनता है छत्तीसगढ़ में 2007 में, 7 में दो नए जिले बने, और दो नया जिला बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो गई थी 18। अब फिर उसके बाद सेंसस होता है 11 में, जब 11 में सेंसस हुआ होगा, जब 11 में सेंसस हुआ होगा तो छत्तीसगढ़ में जिला कुछ रहे होंगे, ऐसे जिलों की संख्या थी 18। 18 जिलों पर 11 में हुआ था जनगणना, लेकिन आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो आगे जनवाएंगे आपको हम, 2012 में प्रदेश में 1 जनवरी को 9 नए जिले अस्तित्व में आ गए थे। अब 9 नए जिले अस्तित्व में आए तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गए प्रदेश में टोटल 27। 27
जब सेंसस का आंकड़ा पब्लिश हुआ 2013 में, तो राज्य सरकार ने भी इस विभाग के माध्यम से, जिस विभाग पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, इस विभाग के माध्यम से 27 जिलों का आंकड़ा पब्लिश किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 27 जिलों में जनगणना हुई, जनगणना केवल 18 जिला में ही हुआ था, लेकिन 27 जिलों का आंकड़ा राज्य सरकार ने पब्लिश कर दिया, उन्हीं आंकड़ों को क्लासिफाइड कर दिया, जिलों के हिसाब से बांट दिया। अभी रिसेंट की कहानी है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सितंबर 2022 के आधार पर जिलों की संख्या हो गई है 33। तो इसी विभाग ने फिर से जनगणना के आंकड़ों को 33 जिलों पर उपलब्ध करा दिया है, जो आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत किया था, ये 33 जिला पर है आंकड़ा, 33 जिला पर है आंकड़ा। अब उसी पर कहानी है, तो उस पर अभी छोड़ दीजिए, मैं पूरा सेंसस जब आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो पूरा विस्तार से बताऊंगा, एकदम बेसिक से क्या कहानी कैसे कैसे है। अभी क्या जानना है आपको, अभी ये जानना है कि सेंसस 11 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन है 2554,5198, अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 2.55 करोड़, ये छत्तीसगढ़ की आबादी है। क्लियर? 2,55,45,198, हमारे यहाँ इतने लोग रहते हैं जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब देश में कुछ ना कुछ स्थिति होगी, अगर आप किसी व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे और व्यापम की परीक्षाएं देंगे तो आप 16 लगा देंगे, लेकिन आप स्टेट सर्विस का एग्जाम दे रहे होंगे तो नो डाउट 17 लगा देंगे। अब ये क्या है, मैं समझा रहा हूं, देखिए, जनगणना 11 के नाम से हुआ, 10 साल में होता है, ऐसा ट्रेंड परंपरा रही है, लेकिन जनगणना के आंकड़ों का कलेक्शन शुरू हो गया था 2010 में, और 10 में जब आंकड़ा कलेक्शन शुरू हुआ तो फाइनल आंकड़ा पब्लिश भी होगा। अप्रैल 2013 में जनगणना 11 के आंकड़े प्रकाशित की गई, यहां से आंकड़ों का संग्रहण शुरू हुआ और यहां से आंकड़ा प्रकाशित हुआ। जब आंकड़ा प्रकाशित हुआ तो तेलंगाना नाम के राज्य का अस्तित्व नहीं था, ये नहीं था तेलंगाना। कब बना है तेलंगाना, कोई जानते हैं क्या? आपके जानते में बना होगा वो, बहुत बढ़िया, नहीं 2 जून, मई नहीं, जून है, 14, लेकिन ना 12 नहीं, 2 जून 2014 तेलंगाना बना, 2 जून 2014 को। तब तक जो है सेंसस के आंकड़े पब्लिश हो चुके थे, तब ये तेलंगाना किसी ना किसी का तो हिस्सा रहा होगा ना, और किसका हिस्सा था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का। जब सेंसस के रिपोर्ट आंकड़े पब्लिश हुए तब तेलंगाना अस्तित्व में नहीं था, आंध्रा में ही, आंध्रा का हिस्सा था, आंध्रा में समाहित था, और इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ 16th लार्जेस्ट स्टेट है, 16वां बड़ा राज्य है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 16वां बड़ा राज्य है, नो डाउट, व्यापम में यही आंसर लिया गया है, तो व्यापम के लिए याद रखना 16वां, लेकिन पीएससी के लिए याद रखना है 17वां। 17वां क्यों याद रखना है सर, अब ध्यान देना है, तेलंगाना एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया कब, 2 जून 2014 को, तब तो ये राज्य बन गया ना, पहले भले नहीं था लेकिन बन तो गया है, आज के डेट में अस्तित्व है तेलंगाना का एक पृथक राज्य के रूप में, वहां उनकी खुद की गवर्नमेंट है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ आबादी होगा ना सेंसस 11 के अकॉर्डिंग। आंध्रा का हिस्सा हटा 10 जिला, तो 10 जिला में जितने लोग रहे होंगे अब तेलंगाना के जनसंख्या में आएंगे। तेलंगाना की आबादी सेंसस 11 के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ है, और हमारी आबादी है कितनी, 2.5 करोड़। तो तिही मोल बता, 2.5 करोड़ बड़े कि 3 करोड़ बड़े? 3 करोड़ बड़े, तो फिर हमारे से ऊपर चढ़ी कौन, तेलंगाना, और हम उतरबो एक स्थान नीचे, तो तेलंगाना को इंक्लूड कर देंगे आज के डेट में, तो भारत संघ का 17वां राज्य है पॉपुलेशन के मैटर पे, एक्चुअल यही सत्य है, लेकिन सेंसस का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली 16वां ही लिखा होगा, क्योंकि उस समय तेलंगाना
नहीं था। अब हमारे यहाँ एग्जाम लेने वाली दो एजेंसी है और दोनों क्या करती है, समझ से एकदम परे, एकरूपता है नहीं, इससे विचलन है स्टूडेंट में। हमारे यहाँ एक एजेंसी है सीजीपीएससी लोक सेवा आयोग और दूसरी एजेंसी है सीजी व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ये कंसीडर करती है अब तक जो एग्जाम लिए उसको, मैं बेस करके बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ को 16th लार्जेस्ट पॉपुलेशन के मामले में। लेकिन पीएससी एक बार एग्जाम लिए, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था जब रमन सरकार की तीसरा कार्यकाल जब चल रहा था तब, तो उसमें पीएससी ने 17वां आंसर लिया है। अब आप क्या लेंगे, तो अब मैं बोल रहा हूँ पीएससी का एग्जाम देंगे तो 17 लगा दीजिएगा, अभी तक के हिसाब से बोल रहा हूँ ना भाई। अब कल के डेट में पीएससी उटपुटांग कर देगा तो वो मैं भी नहीं जानता हूँ, जो उनका अब तक का व्यवहार रहा है उसके आधार पर कहानी है। और व्यापम आएगा तो 16वां ही लगाना है आपको, देख के पढ़ना है, ऐसे नहीं कोई पुस्तक ला पढ़ा था अब यहाँ दिन तो 16वां दे कि 16वां लगा के आगे, तो पीएससी की एग्जाम देवा था। और ये जो बैच लाया गया है वो आप किसी भी का एग्जाम दे, सबके लिए काम आएगा, लेकिन वो भी बता दिया हूं मैं आपको। कल के डेट में मैं बोला कि आपको 17वां लगाना है, व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं हॉस्टल वार्डन, मान लो गलती से पूछ दिया वो भूगोल वाले सेगमेंट में, भारत के भूगोल वाला से जहाँ लिखा हुआ है वहां, ऐसे तो हॉस्टल वार्डन में केवल इतिहास पर डिस्कस किया गया 5 क्वेश्चन, लेकिन उधर जो इंडियन जीएस का 15 क्वेश्चन आना है उसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल भी लिखा हुआ है, वहां भी पूछ सकता है भौगोलिक पर्यावरण करके, तो थोड़ा से ध्यान देंगे आगे समझ, कोनो सगा वाला समस्या समस्या है बिल्कुल बता सकते हैं भैया। चलिए आगे बढ़े, जैसे मैंने क्षेत्रफल में हिस्सेदारी बताया देश में 4%, वैसी जनसंख्या में हिस्सेदारी है 2.11%, 2% याद रख सकते हैं, मतलब भारत देश की कुल जनसंख्या का छत्तीसगढ़ में रहते हैं 2% लोग। जिलों की स्थिति, अब मैं चाहे आज 33 पे पब्लिश हुआ है तो 33 पे बोल दे रहा हूँ, और बेसिकली आंकड़ा जो है वो 27 पे ही याद रखना है, मेन जो मेन आंकड़ा है 33 पे, सबका आंकड़ा नहीं आया है, तो आप 33 में कंसीडर करें या 27 में कंसीडर करें या 28 में कंसीडर करें, किसी में करें। अगर प्रश्न पूछे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो रायपुर होगा, और मिनिमम जनसंख्या वाला जिला नारायणपुर होगा, उत्तर है ये। जिलों की स्थिति, प्रदेश का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, जनसंख्या में कहा था ना भाई, वहां का आबादी। आगे सर समझ, ये है सेंसस 11, अभी सेंसस नहीं पढ़ा हो ना तोला, ये केवल टीजर है, पिक्चर में पूरा सेंसस पढ़ देते हैं, जनगणना अत्य का नहीं पढ़ना है, 2 क्लास लाग ही मोला सेंसस पढ़ाएंगे, 3 घंटा समझ ले मोटा मोटा। अब बात करत हूं मैं यहाँ अगला पॉइंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन ए संसाधन एवं वन्य जीव। तो पहली ये स्लाइड में डिस्कस करत हूं मैं छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट के वन वन संसाधन, फिर अगले स्लाइड में डिस्कस करूं वन्य जीव में। तो वन संसाधन पर पहले बात कर रहा हूं, इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुआ था, देखे होंगे आप, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल है 59772, आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पूछ दिया था भरमाने के लिए। छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल है 59772.4, ये वन का क्षेत्रफल है। अब वन क्षेत्रफल बोल रहा हूं ना, आगे चल के जब अभी थोड़ा डिस्कस किया था, ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ना है, यहाँ वन क्षेत्रफल नहीं होता है, यहाँ होता है वन आवरण और होता है वृक्षावरण, वो क्या होता है मैं समझाऊंगा, फॉरेस्ट कवर ट्री कवर वो अलग है, उसको अलग से देखेंगे हम, एक होता है फॉरेस्ट कवर और दूसरा होता है ट्री कवर, लेकिन अभी वो सब चीज नहीं बोल रहा हूं, अभी जो बोल रहा हूं वन क्षेत्रफल, ये राज्य सरकार के आंकड़ों में जो वन के रूप में दर्ज है, जिसको बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, हिंदी में कह देते रिकॉर्ड मतलब अभिलेख, अभिलेखी वन जो सरकार के रिकॉर्ड में है जंगल के रूप में, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लिखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कही
यार रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का एरिया कितना है? तो उत्तर होगा 59772.4 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, फिर वन का छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है सर बताइए, तो देख के नहीं बताना है। अक्का पता भाई, तुमने देखा तो हूँ नहीं देखा तो हूँ, तब मैं का कर डर हूँ, लेकिन ईमानदारी है खुद के। बहुत बढ़िया, कुछ सर 135192, ये छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है और फॉरेस्ट का एरिया कितना है 59772। अगर मेरे को 59772 का परसेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 59772 को डिवाइड करूंगा 135192 से और मल्टीप्लाई करूंगा 100%, चाहिए तो जो वैल्यू मिलेगा वो परसेंटेज कहलाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल एरिया में वन का हिस्सेदारी है 44.21, 44.21% हमारे यहाँ है क्या, जंगल। छत्तीसगढ़ के 44.21% भूभाग वन है। क्रम ऐसे तो हम है नहीं तीसरा, लेकिन आपके एग्जाम दोनों व्यापम पीएससी आंसर लेता है वो तीसरा। वन क्षेत्रफल के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरा बड़ा राज्य है, तीसरे नंबर पर आता है, ये याद रखना है। जनसंख्या के मामले में पीएससी 17, व्यापम 16, क्षेत्रफल के मामले में 10वां और वन क्षेत्रफल के मामले में तीसरा। जिलों की स्थिति और देश में हिस्सेदारी की बात किया जाए तो देश के वनों का लगभग 7.8% वन, 8% बोल सकते हैं आप, देश के 8% वनों में हिस्सेदारी है हमारी, मतलब देश में जितना वन मिलता है उसका 8% प्रदेश में मिलता है। ठीक, जिलों की स्थिति फिर से यहां पर रहता है, ये भी आगे चल के कभी फंसेगा पीएससी या व्यापम के एग्जाम में, और अगर आया तो आए बाएं होके ये भी डिलीट हो जाएगा। वन क्षेत्रफल को लेकर दो स्थिति है, ये जो लिखा दिख रहा है आपको कृषि सांख्यिकी का आंकड़ा है, कृषि सांख्यिकी। एक और आंकड़ा मिलता है वो है छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप, वही वेबसाइट जो DESCG वेबसाइट है वही पब्लिश करती है, नाम है सांख्यिकी संक्षेप के नाम से मिलेगा आपको, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट करके सांख्यिकी संक्षेप ऐसा पब्लिश होगा। इसमें देखेंगे तो अलग दिखेगा। सांख्यिकी संक्षेप में वन की स्थिति बताई गई है, प्रदेश में सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल है बीजापुर और सबसे कम वन का क्षेत्रफल है बेमेतरा, सांख्यिकी संक्षेप के अकॉर्डिंग है। अब उसको भी आपको खोल के दिखा देता हूँ सर, कहाँ मिलेगा, जो DESCG है ये वेबसाइट है। ठीक, इस वेबसाइट के टॉप में जाना है, टॉप में जाके आपको इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिकेशन लिखा रहेगा, लैंग्वेज चेंज कर लेंगे तो हिंदी में देखेंगे तो प्रकाशन लिखा होगा, इस प्रकाशन को क्लिक कर लीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद आना है आपको छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप करके एक पीडीएफ है, ये छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप, और इसी में ये ईयर के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, इधर है 2021 के नाम से ऊपर वाला, इसको क्लिक कर लेंगे डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें एक चैप्टर है वन, और इसी वन चैप्टर में जाके रीड करेंगे तो आपको मिलेगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में आपको मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, काम का नहीं है वो, मैं उस पर बात नहीं करूँ। ये है उसी का वेबसाइट 2021 के नाम से आया हुआ है, मतलब 2021 कहने का मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के आंकड़ों को लेकर, मतलब जिला की संख्या 28 थी और उसी 28 के आधार पर ये पब्लिकेशन है, एक चैप्टर है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, वहां रीड कर लीजिएगा आप, ये दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 9, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा आपको दिखे, चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट लिखा हुआ है, पेज नंबर 54 से 60, यहां जाके आप देख लीजिएगा।
वही साइट है DESCG.gov.in, उसमें जाके पब्लिकेशन में जाइएगा, वहां से मिल जाएगा आपको। तो उसमें आपको आंकड़ा ये मिलेगा, लेकिन अभी खोला था मैं कृषि सांख्यिकी। कृषि सांख्यिकी में आप आएंगे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में, तो यहां से आपको वन का स्थिति मिलेगा, आरक्षित, संरक्षित और अन्य। इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों कॉलम को, तो आपको आंकड़ा वन का दिखेगा, और सबसे कम फॉरेस्ट दिखेगा दुर्ग में, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट दिखेगा आपको नारायणपुर में। सबको ऐड करेंगे तो ना, ये दो, ये इसको 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 तीनों को, तो यहाँ पर 78,000 के आसपास है, यहाँ 5,42,000 है, जोड़ देवे 78 और 42 लगता, आराम से 6 लाख मिल ही। 6 लाख हेक्टेयर में हो वन है, टोटल होकर क्षेत्रफल है नारायणपुर के 6,92,000, मतलब 7 लाख हेक्टेयर वहां का क्षेत्रफल है नारायणपुर के, जिसमें 6 लाख हेक्टेयर में वन है, बता। और बाकी जोड़ लेवे तो नहीं मिलने वाला है नारायणपुर के आसपास। तो दो आंकड़ा है, अब तक पीएससी पर या व्यापम पर इस पर क्वेश्चन नहीं है, जब भी आए आप देख लीजिएगा। अब इसका मेरे पास मतलब रिसेंट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पीएससी या व्यापम पूछा हो, आपको पेपर हम अवेलेबल कराएंगे, वहां से भी आप देख सकेंगे आराम से। आया समझ? फॉरेस्ट एरिया है, अभी प्रीलिम्स में आया था 59772। तीसरा बड़ा राज्य है देश का, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21% हमारे यहाँ वन है। देश के वनों में हिस्सेदारी 8% है, ये ISFR से निकाल सकते हैं, वहां जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट दिया गया है। और फिर ध्यान देना है जिलों की स्थिति, तो सांख्यिकी संक्षेप के अकॉर्डिंग प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला 28 में बीजापुर, और छोटा है वो है बेमेतरा, बेमेतरा लिखा हूं सर। और अगर कृषि सांख्यिकी का आंकड़ा माने तो 28 में दुर्ग में सबसे कम वन है, और नारायणपुर में सबसे बम वन है, ज्यादा वन है। ठीक, कोई समस्या यहां तक कोई भी ला बता सकते हो? ये था फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन, कहानी खत्म नहीं हो है ना अभी, ये टीजर हरे के हो में है, हड़बड़ाना नहीं है। तो लज्जत का पढ़ा था उसके ध्यान देते हैं, एक एक करके बता जाऊं सका तब तो जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगी। अब वाइल्ड लाइफ पर बात कर रहा हूं, वन्य जीव। वन्य जीव अगर देखें तो हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है उसकी स्टेटस पर बात किया हूं। एक होता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी अभ्यारण, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया होता है, टाइगर रिजर्व है, हाथी रिजर्व है। छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वन्य जीव पर डिस्कस कर रहा हूँ। नेशनल पार्क, हा पार्क कभू कहा थो बस, तो तुर दिमाग में इमेजिनेशन जो होत हुई वो होते गार्डन के, कि पार्क कथस्ते वनस्पति के अलावा वन्य जीव भी दिखे शुरू हो जाते, शेर, भालू, हाथी, ऐसे कुछ हिरन, कोटरी, बरहा का दिखते पार्क कभू कथस्त। अगर कभू पार्क वार्क घूमे हो बस, तब भाई गार्डन वार्डन वनस्पति ही दिखेगा। तो ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां पर फ्लोरा का कंजर्वेशन होता है, वनस्पतियों का संरक्षण होता है, ऐसे क्षेत्र को नाम दिया जाता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां फौना का कंजर्वेशन होता है, वन्य जीवों का संरक्षण होता है, ऐसे जियोग्राफिकल एरिया को नाम दिया जाता है अभयारण्य। पहले तो यही जानना है जबरन नॉलेज के लिए कि दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों रिजर्व एरिया ही है जीव जंतु वनस्पति के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा फर्क है। जहां पर फ्लोरा में कंजर्व बायोडायवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन हो तो नेशनल पार्क है, जहां फौना में बायोडायवर्सिटी हो उसका कंजर्वेशन हो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जैव संरक्षित क्षेत्र क्या है फिर? तो जैव संरक्षित क्षेत्र का मतलब है वहां के होल बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन, पूरा एटमॉस्फेयर का संरक्षण।
यूएनओ का नाम सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी सुन भी रहे होंगे कि इसके सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का हमको परमानेंट मेंबर बनना है, हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तो प्रयास हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन चाइना जो है वो बीच बीच में अड़ंगा लड़ाते रहता है। वीटो का पावर है उन लोग को, तो वीटो लगा देता है। यूएनओ का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, यूएनओ शुरू किया था प्रोग्राम को, प्रोग्राम का नाम था मैब, मैन एंड बायोस्फीयर। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था मैन एंड बायोस्फीयर। इसी प्रोग्राम का ही रिजल्ट है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। मतलब इसमें चिंता व्यक्त किया गया कि पूरे विश्व में मानव अस्तित्व के लिए बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन आवश्यक है। तो 1971 में इस प्रोग्राम की शुरुआत 1971 में, और इसी प्रोग्राम के माध्यम से नेटवर्क स्थापित होता है जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। टाइगर रिजर्व क्या होता है समझ गए होंगे, हाथी रिजर्व क्या होता है समझ गए होंगे। ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जो टाइगर के लिए संरक्षित है, आरक्षित है, वो टाइगर रिजर्व है। हाथी रिजर्व ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जो हाथियों के संरक्षण के लिए रिजर्व है, वो हाथी रिजर्व है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, टर्म्स से है। पहले ये शब्दावली समझ आया, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आता है तो चीजें कनेक्ट होने लगती है, और कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा तो कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है। नहीं गा काला क्या मतलब। चलिए तो अब बात कर रहा हूं संख्या पर। छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क की संख्या है वो है कितनी, तीन। तीन राष्ट्रीय उद्यान है। अभयारण्य की संख्या बात की जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है 11, 11 अभयारण्य है। चलिए अब बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है। अब ये आपके लिए है, अब आंसर बता रहे हैं तो मेरे को भी उत्सुकता आ रही है कि आप अगला बताइए, टाइगर रिजर्व कितने हैं। डेफिनेटली गलत ही बताएंगे, सही बता दिए तो बहुत अच्छी बात है, सही डायरेक्शन है। कितने टाइगर रिजर्व हैं ये मेरे को पता था लक्की सर। और कुछ सर जी आपका जवाब, हाँ लेमरू तो हाथी रिजर्व है, टाइगर नहीं जानते हैं। और कोई, अरुण सर, रश्मि मैडम, सुनील सर, टाइगर रिजर्व की संख्या जो है वो एक है, सॉरी आपका तीन है। इनका आंसर एक देख लिया था तो एक लग, नहीं एक नहीं है, तीन है, तीन। ये कहाँ से देखना है, रिफरेंस लेंगे कोई भी बुक तो चार दिया हुआ है, ठीक नहीं देखना है भैया उसको। आप देख सकते हैं टाइगर रिजर्व इन इंडिया वेबसाइट है, या NTCA.gov.in ये वेबसाइट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो प्राधिकरण काम कर रही है टाइगर रिजर्व के लिए, वो देख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ में तीन टाइगर रिजर्व है, 55 ऑल ओवर इंडिया, उसमें से तीन छत्तीसगढ़ में। हाथी रिजर्व कितने हाथी रिजर्व है सर, पता होगा तो आप सब में बता रहे हैं तो इसमें भी बता दीजिए। दो हाथी रिजर्व है, लेमरू तो सर बता ही दिए हैं, सरगुजा जसपुर, दो 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 हाथी रिजर्व है। एक सरगुजा जसपुर के नाम से हाथी रिजर्व क्षेत्र है, और दूसरा लेमरू के नाम से हाथी रिजर्व क्षेत्र है। ये है वाइल्ड लाइफ, अभी केवल संख्या बताया हूँ, आगे चल के मैं बताऊंगा जब जिला का परिचय हम देखेंगे, जिसको हम ट्रेलर बोलते हैं, वहां पर हम भूगोल से कनेक्ट करके बताएंगे आपको वन्य जीव। आया समझ। अब लास्ट पॉइंट है इस टीजर का, क्या है लास्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्रशासन की अगर हम बात करें तो एक तो हमारे देश में अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संघ में सरकार है, और जो संघीय व्यवस्था है उसके तहत संसद का प्रावधान किया गया है।
फिर संघ के नीचे, संघ जो हमारा देश है वो राज्यों का संघ है, तो राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, राज्य भी आते हैं। राज्य में प्रशासन के लिए विधान मंडल, जैसे देश में संसद की व्यवस्था है वैसी राज्यों में विधान मंडल की व्यवस्था है। जब मूल संविधान लागू हुआ 1950 में, तब ये केंद्र और राज्य टाइप के प्रशासन की बात थी संविधान में। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है, स्थानीय शासन जो है, ये बाद में जोड़ा गया। 1992 में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट, और 92 में जब संशोधन हुआ तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए लोकल गवर्नमेंट की बात कही गई। ग्रामीण क्षेत्र में जिला, जनपद, ग्राम पंचायत का गठन होता है, जानते होंगे आप, और शहरी क्षेत्र में होता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का गठन। ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जन 1950 का, उसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, इसके चैप्टर्स थे नहीं। ये 1992 में इंसर्ट किया गया था, और उसी के बाद रूरल एरियाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई थी और अर्बन एरियाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई थी। तो धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं बस, फिर अगली क्लास में इस पर डिस्कस करूंगा ब्रीफ में। संसद बताया गया है कि इसके दो हाउस होंगे, जिसमें से नाम होगा राज्यसभा और लोकसभा। मीडिया लैंग्वेज में इसको अपर हाउस बोल देते हैं, इसको लोअर हाउस बोल देते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन बोल देते हैं। लेकिन संविधान में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है ना भाई, केवल बोला गया है संसद के दो हाउस होंगे, एक होगा स्टेट काउंसिल और दूसरा होगा पीपल्स असेंबली, लोकसभा। बताया गया है आर्टिकल नंबर 79 में, संसद के अभिन्न अंग होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के राष्ट्रपति। तो संसद का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, स्टेट काउंसिल, पीपल्स असेंबली और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों से मिलके बनता है संसद। विधानमंडल भाग 6 की कहानी है, इसके बारे में बताया गया, इसमें भी दो सदन होंगे, दो हाउस होंगे, एक को बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, दूसरे को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। दो सदन है यहां पर भी। और जो गवर्नर होगा स्टेट का, राज्य का राज्यपाल, वो विधान मंडल का अंग होगा। मतलब विधान मंडल के तीन कंपोनेंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का राज्यपाल। अब इसी पर विस्तार से चर्चा होगी, पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस बताएंगे हम, राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, फिर उसके बाद मैं आपको सीटों की संख्या बताऊंगा कि राज्यसभा हमारे यहाँ से सांसद चुने जा सकते हैं 5, लोकसभा तो जान ही रहे कितने, लोकसभा में अभी चुना होगा हमारे छत्तीसगढ़ में कितने फेस में, कमेंट कर दीजिए, आप जानते हैं। मैं बस ऐसे ही अपने अपने नॉलेज के विस्तार के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, कितना लोकसभा है छत्तीसगढ़ में? बहुत बढ़िया, 11 लोकसभा, बढ़िया, 11 लोकसभा, 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं जी, उसी पर मैं डिस्कस करूंगा। सबको पता है चुनाव का भी माहौल चल रहा है, वोट देने जरूर जाइएगा। अगली क्लास में इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा, यहां तक कोई समस्या है तो बता सकते हैं। इस प्रकार कल इस टीजर का हो जाएगा समापन, इस टीजर का समापन कल हो जाएगा, ठीक। चलिए भाई, मुलाकात होगी आपसे कल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़ते रहिए।